ईशांत अपनी मम्मी को अपने पापा की लाई लोकेशन बता रहा था। हाँ मम्मी, अभी पापा बैंक से निकले हैं, आप किराने की दुकान से कुछ खरीद रहे हैं। मम्मी बोली, बेटा जरा चुप कर पीछा करना, तुम्हारे पापा को तुम पर नजर नहीं पड़नी चाहिए। मुझे जानना है कि वह कल इतने दिन कहाँ है। ईशांत बोला, तुम चिंता मत करो मम्मी, मैं चुप कर ही रहूँगा, मैं सावधानी से उनका पीछा करूँगा, आज तुम्हारे सूत्र का पता लगा कर ही रहूँगा, आज उनकी सारी पोल खोल दूंगा। मम्मी बोली, अभी वह क्या कर रही हैं। ईशांत बोला, अभी दुकान पर ही है, कुछ खरीद रहे हैं। मम्मी सब कुछ जान लेना चाहती थी, बोली क्या खरीद रहे हैं। ईशांत बोला, मैं बहुत दूर खड़ा हूँ मम्मी, इतनी दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या खरीद रहे हैं। यह कहानी रमेश की है, जिस पर उसकी पत्नी शक्कर बैठी थी। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसकी ऑफिस की छुट्टी 5 बजे हो जाया करती थी, फिर शहर से बस पकड़कर 6:30 बजे तक अपने गांव पहुंच जाया करता था। मगर अचानक उसका समय बदल गया, वह पिछले काफ़ी दिनों से रात 11 बजे घर पहुँच रहा था। शुरू शुरू में तो पत्नी ने कुछ नहीं कहा, मगर रोज़ की वह रात की 11 बजे आने लगा। तुम्हें पूछ बेटी, बोली क्या बात है, आप इतनी लेट क्यों आने लगे हो। 6:30 बजे हर हाल में घर आ जाया करते थे, मगर अब रात 11 बजे के बाद पहुंच रहे हो, क्या चक्कर है। रमेश थोड़े गर्म स्वभाव का था, ऊपर से घर की जरूरतें ने उसे और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था। इसलिए मैं पत्नी से बोला, मैं अपने काम से काम रखूं, बिना वजह मेरा दिमाग मत खराब करो, वैसे ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हारा लाडला बेटा एप्पल फोन दिलाने की जिद कर रहा है, तुम्हारी लाडली को घर में वाईफाई चाहिए, 30,000 की पगार में क्या क्या करूँ, थक गया हूँ। घर का वजन उठाते उठाते ज़्यादा परेशान करोगे तो घर छोड़कर चला जाऊँगा। पत्नी बोली, औलाद पैदा कर दी जरूरी थी क्या। अगर औलाद को जन्म दिया है तो उनकी जरूरतें भी पूरी करनी पड़ेगी, उनको बीच में मत बोल। पत्नी हूँ आपकी, मेरा हक बनता है यह जानना कि ऑफिस की छुट्टी के बाद 5 घंटे क्या करते हो। रमेश बोला, इस उम्र मैं ऐसे ही कर रहा, जो भी कर रहा हूँ घर के लिए ही कर रहा हूँ, और कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी नहीं समझता। रमेश ने गुस्से से कहा तो वह चुप हो गई, मगर थी तो एक औरत थी, इस कारण चिंता करके टेंशन में रहने लगी। बेटा ईशान 23 साल का हो गया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, अभी कुछ नहीं कर रहा था, मगर पापा से एप्पल फोन दिलाने की जिद किए बैठा था, क्योंकि उसके सभी दोस्तों के पास महंगे फोन थे, मगर पापा उनकी सुन ही नहीं रहा था, इसलिए पापा से नाराज था। घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, इसलिए बच्चों को भी लगने लगा था कि पापा गलत है, जरूरी उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इस कारण माँ ने बेटे से कहा, वह टेंशन नहीं चल रही चली जाती, मुझे यह जानना था तेरे पापा शहर में छुट्टी के बाद कहाँ जाते हैं। फिर ईशांत पापा की जासूसी करने के लिए तैयार हो गया। ईशांत बोला, मम्मी पापा ने आधा लिफाफा के आसपास सामान खरीदा है, लगता है तेरी सौतन के घर का राशन खरीदा है। सामान के आधे कट्टे को कंधे पर रखकर वह एक गली की तरफ बढ़ रही हैं। इतना सुनते ही वह रोने लगी, बोली मैं जानती थी तेरा पापा भाग गया है, हे भगवान अब क्या होगा। ईशांत माँ के दर्द को इग्नोर करते हुए बोला, अरे मम्मी यार अब रोना धोना बंद करो, पहले पता तो लगने दो तुम्हारे पतिदेव कोई किस से प्यार हुआ है। अभी वह एक गली में चले गए, मैं उनसे काफ़ी दूर हूँ ताकि पकड़ा ना जाऊँ। मम्मी ने कहा, कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे रो रही थी। ईशान जासूसी बना पापा के पीछे लगा था। काफ़ी देर चलने के बाद ईशान ने देखा पापा एक घर के अंदर चले गए हैं, बताओ अब मैं क्या करूँ। मम्मी बेचारी सदमे में थी, बोली तू भी उनके पीछे उसे घर के अंदर चला जा। वह कुछ देर सोच कर बोला, नहीं मम्मी अभी कुछ नहीं, देर बाद जाता हूँ। मम्मी कहती रही, तू अभी घर के अंदर जा, मगर वह नहीं गया। करीब 30 मिनट बाद उसके पापा को उस घर से बाहर निकलते हुए देखा, मगर जिस हालत से निकलते हुए देखा उसे देखकर वह सन्नाटे में आ गया। यह साथ ने फोन पर मम्मी को कहा, मम्मी पापा बाहर आ रहे हैं, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, कहकर ईशांत ने फोन काट दिया और छुप कर पापा को देखने लगा। पापा ने कपड़े बदल दिए थे, पैंट शर्ट की जगह अब पजामा और शर्ट पहन रखा था। वह एक धकेले को धकेलती आगे आ रहे थे, पहनावे से सचमुच ठेले वाले ही लग रहे थे। पापा जी ठेले को धकेल रहे हैं, उस पर गोलगप्पे थे। सूट बूट और टाई में रहने वाले पापा को इस हालत में देखकर ईशांत की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी का फिर से फोन आ रहा था, इस शांत ने फोन काट दिया और फिर फोन को स्विच ऑफ करके जेब में डाल दिया। वह पापा के पीछे मानस चल रहा था, उसकी जासूसी अब सदमे में बदल चुकी थी। चलते चलते उसने पापा को ठेले को ऐसी जगह पर ले गई जहाँ काफी भीड़ थी। उसने यह भी देखा कि पापा ने सोफे साफी से चेहरे पर को इस तरह से लपेट लिया कि कोई पहचान ना पाए। फिर उसने पापा ने गोलगप्पे बेचने शुरू कर दिए, उसकी रेहड़ी पर बहुत भीड़ लग चुकी थी। वह काफ़ी देर तक यह सब देखता रहा।
बहुत कोशिश करने के बाद भी शांत आंसुओं को रोक नहीं सका। अचानक उसके पापा से सारी शिकायत खत्म हो गई। उसे याद आया जब पापा सुबह तक पैरों के तौलिये बांधकर सोते रहते हैं, पूरे दिन ऑफिस में ड्यूटी, उसके बाद 5 घंटे तक खड़े होकर गोलगप्पे बेचने का काम। पर तो दर्द, पैरों में दर्द तो ही होगा, उसे खुद पर शर्म आई। तो इतना जवान होकर भी पापा के किसी काम नहीं है। मैं खुद को नहीं रोक सका और सीधा ठेले पर चला गया। बेटे को देखते ही पापा गोलगप्पे बेचते हुए के हाथ रुक गई। वह बेटे के से नजरें चुराने लगा। ईशांत बोला, पापा नजरें मत चुराइए, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। शर्म तो मुझे आनी चाहिए, जो इतना बड़ा होकर भी मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। आपका सहारा बनने की जगह बेमतलब की फरमाइशें करके आपके लिए समस्या बन गया हूँ। मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे एप्पल मोबाइल नहीं चाहिए। मुझे यह बताइए, मैं आपका सहारा कैसे बनूँ? आप इधर आइए, गोलगप्पे मैं बनाकर देता हूँ और आप यह साफा मुँह से उतार दीजिए। मुझे आपको यह काम करते देख कर शर्म नहीं आ रही, बल्कि आप पर गर्व हो रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ। रमेश ने चेहरे पर लपेटा हुआ साफा उतार दिया और फिर बेटे की तरह भरी आंखों से देख बिना बोले, बाप बेटे बहुत सारी बातें हो गई। आज पहली बार रमेश को एहसास हुआ कि अकेला नहीं है, उसका साथ देने के लिए उसका बेटा हो गया है। आज मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया हूँ। फिर शांत ने फोन ऑन किया और मम्मी को फोन मिलाकर कहा, मम्मी पापा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वह दूसरी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। कल से मैं भी उनके साथ काम पर करूँगा, आप टेंशन फ्री हो जाओ। फिर फोन काट कर पापा से बोला, आज से दोनों मिलकर घर संभालेंगे। पापा जो भी काम मिलेगा मैं करूंगा, आप खुद को अकेला मत समझना। फिर रमेश ने भरी आंखों से बेटे को गले लगा लिया। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।